नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, यूरिन के। तो यूरिन के एग्जामिनेशन में अभी तक हम फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में भी कुछ पॉइंट कवर कर चुके हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में हमने पहले सेल, कास्ट, बैक्टीरिया, पैरासाइट, इन सब के बारे में डिस्कस किया। आज हमारा जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का ये लास्ट पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल के बारे में, ठीक है, कि क्रिस्टल क्या होते हैं। नॉर्मल क्रिस्टल जो कि नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट होते हैं और कुछ क्रिस्टल ऐसे हैं जो कि नॉर्मली यूरिन में नहीं दिखाई देते हैं। तो क्रिस्टल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू मेन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और आपके भी नॉलेज में होना चाहिए। जब आप यूरिन का एग्जामिनेशन करते हो लैब के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्टल जो है वो कैसे दिखते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्रिस्टल का वैसे तो कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन जो है वो इस डिसीज में होता है। क्रिस्टल का फॉर्मेशन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी हो जाता है कई बार, ठीक है, आपकी डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, उस कंडीशन में भी हो जाता है। और जैसे कोई लीवर डिसीज़ हो गई है, किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, तो कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका नहीं है। तो किसी भी कंडीशन में यहाँ पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो सकता है, चाहे वो लीवर डिसऑर्डर हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, तो इसमें हो जाता है। मेनी ऑफ द क्रिस्टल दैट आर फाउंड इन द यूरिन हैव लिटिल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ऑल्दो दे मे बी फाउंड इन कैलकुलस फॉर्मेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में एंड द रेगुलेशन ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन में अगर रेगुलर कोई सी भी मेडिसिन ले रहे हो तो उस कंडीशन में भी कुछ क्रिस्टल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर क्रिस्टल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो वो क्रिस्टल जो कि नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट होते हैं और एक वो क्रिस्टल जो कि नॉर्मली यूरिन के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी क्रिस्टल जो है वो यूरिन में दिखाई दे रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं कोई एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है। नॉर्मली जो यूरिन में जो क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो वो क्रिस्टल जो कि एसिडिक यूरिन में प्रेजेंट होते हैं और एक वो क्रिस्टल जो कि अल्कलाइन यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिडिक यूरिन में कौन कौन से क्रिस्टल प्रेजेंट होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड क्रिस्टल, एमार्फोस्यूरेटस, हिप्यूरिक एसिड क्रिस्टल, यह है। एल्केलाइन में कौन कौन से होते हैं, तो एमार्फस फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेटिस, अमोनियम बायूरेट्स और ट्रिपल फॉस्फेट, ये सारे एल्केलाइन यूरिन में प्रेजेंट होते हैं और एसिडिक यूरिन में ये प्रेजेंट होते हैं। अब पता है कन्फ्यूजन कहाँ होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन, जैसे कि हम मान लें यहाँ पर एमार्फोस्यूरेटस जो है वो एसिडिक यूरिन में प्रेजेंट होता है या एल्केलाइन यूरिन में प्रेजेंट होता है। अब एमार्फोस जो है वो एल्केलाइन में भी है और एसिडिक में भी है, लेकिन जो एमार्फोस्यूरेटस है वो एसिडिक यूरिन में प्रेजेंट होता है, जबकि एमार्फोस फॉस्फेट जो फॉस्फेटिस जो होता है वो एल्केलाइन यूरिन में प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद कर लो इसको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। इसी तरीके से इसमें कैल्शियम का भी है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो एसिडिक में प्रेजेंट होता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो एल्केलाइन यूरिन में प्रेजेंट होता है। ओके, ये तो हो गई नॉर्मल यूरिन। अब जो कि नॉर्मली यूरिन में नहीं प्रेजेंट होता है, तो फर्स्ट वन सिस्टीन, ल्यूसीन, टायरोसिन, कोलेस्ट्रोल और सल्फर क्रिस्टल्स, ये सारे नॉर्मली यूरिन में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगर देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो चाहे लीवर डिसीज हो सकती है, किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, मेडिकेशन का रेगुलेशन हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो एक एक करके इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल यूरिन क्रिस्टल, नॉर्मल यूरिन क्रिस्टल में भी सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिडिक यूरिन के अंदर कौन से क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। तो पहला है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट नॉर्मली हमें देखने को मिल ही जाता है, सबसे ज़्यादा हमको कैल्शियम ऑक्सलेट ही देखने को मिलता है। तो ये कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है एंड इनवेलप शेप होता है। इनवेलप शेप होता है इसका, कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो तारे के जैसा दिखता है, स्टार जैसा दिखता है, चमकता हुआ और कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता है। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक जो छोटा एनवेलप होता है वो भी इसी तरीके का होता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम कि कैल्शियम ऑक्सलेट कब प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट आफ्टर इंजेशन ऑफ टोमेटोज, आपने बहुत ज़्यादा टमाटर खा लिए हों,
स्पाइनी ज़्यादा ले लिया हो, गार्लिक अगर ज़्यादा ले लिया हो, विटामिन अगर ले लिया हो, तो उस कंडीशन में भी हमें कैल्शियम ऑक्सलेट नॉर्मली देखने को मिलते हैं। मैंने आपको कहा कि डाइट की वजह से भी हमें देखने को मिल जाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सलेट इसीलिए नॉर्मली दिखने को मिलते हैं। भाई टमाटर तो हम रोज खाते हैं। देयर कैन बी प्रेजेंट इन इंक्रीज्ड नंबर इन डायबिटिक मेलाइटिस लीवर डिसीज, पर हाँ ये नॉर्मली जो है वो 2 to 3 पर HPF ही हमें दिखाई देते हैं, हाई पावर फील्ड। अगर इससे ज़्यादा, अगर बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन हो सकती है या फिर लीवर डिसीज भी हो सकती है। अगला आता है यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है हमें डायमंड, ड्रोमेबिक और रोसेट येलो और रेड ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ये इस तरीके का जो पत्ती शेप का आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड क्रिस्टल ऐसा दिखाई देता है। ये गॉट में अर्थराइटिस की कंडीशन में देखने को मिल सकता है, अगर ज़्यादा है तो क्रॉनिक नेफ्राइटिस की कंडीशन में, एक्यूट फेब्राइल कंडीशन में हमें यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से हैं जो कि नॉर्मली एसिडिक यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, तो एमार्फस यूरेटस जो कि येलो, रेड और ग्रेन्यूलर्स, ग्रेन्यूलर्स तो ये छोटे छोटे से ग्रेन्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, ये रेड, येलो रेड कलर के दिखाई देते हैं, ये है हमारा एमार्फस। ठीक है, अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो एमार्फस यूरेटस प्रेजेंट है। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नॉर्मली ये हमें देखने को मिल ही जाता है। हिप्यूरिक एसिड है तो इलॉन्गेटेड प्रिज्म और प्लेट जैसा हमें दिखाई देता है। ये यहाँ पर आपको एक प्रिज्म दिखाई दे रही होगी, तो इस तरीके का हिप्यूरिक एसिड होता है। इसका भी कोई विशेष क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, अब आता है एल्केलाइन यूरिन की बात, कि ऐसे क्रिस्टल्स जो कि हमारे यूरिन में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, लेकिन एल्केलाइन यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जो कि स्मॉल कलरलेस ग्रेन्यूलर एंड स्फेरिकल हमें देखने को मिलता है। ये इस तरीके का डंबल शेप का, जो जिम जाते होंगे उनको पता होगा कि डंबल जो है वो ऐसा दिखता है ना, तो इसी तरीके का हमारा कैल्शियम कार्बोनेट दिखाई देता है। इसका कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट नॉर्मली हमें देखने को मिल जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट है तो कैल्शियम फॉस्फेट का भी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये कैसा दिखता है? तो लॉन्ग थिन कलरलेस एंड नीडल। ठीक है, हम जब मेले में जाते थे, मेले में भी जाते थे नॉर्मली भी ऐसे, हम जब छोटे थे, मैंने चलाई इसलिए बोल रही हूँ कि छोटे थे, तो एक आगे जो है वो सी पंखुड़ियाँ छोटी छोटी लगी हुई रहती थी, पीछे डंडी रहती थी प्लास्टिक की पाइप, और जब हम उसको हवा में घुमाते थे तो वो घूमती थी, तो इसके आगे की जो पंखुड़ियाँ हैं ना वो सेम ऐसी कैल्शियम फॉस्फेट की जैसी ही दिखती थी। तो मैंने घुमाई है इसलिए मैं तो याद रख सकती हूँ, अगर आपने घुमाई हो तो आप भी याद रख सकते हो कि कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो जब हम छोटे थे और पंखुड़ी घुमाते थे हवा में तो वैसे दिखती है। इसका कोई विशेष क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, अगला आता है अमोनियम बायोरेट्स। इनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन नॉर्मली हमें यूरिन में देखने को मिलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसा दिखता है, कैल्शियम फॉस्फेट कैसा दिखता है, कैल्शियम ऑक्सलेट कैसा दिखता है। ठीक है, हमें देखना तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो अमोनियम बायोरेट जो है वो स्फेरिकल बॉडी येलो ब्राउन कलर का होता है। अमोनियम बायोरेट्स हमें कैसा दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? इन फाउंड इन फ्रेश यूरिन दे आर एबनॉर्मल। अगर नॉर्मली तो हमें देखने को मिलता ही है, लेकिन अगर हम फ्रेश यूरिन जब ले रहे हैं तो उसमें अगर हमें अमोनियम बायोरेट्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज है। अमोनियम बायोरेट का डायग्राम यहाँ पर रह गया है, कोई बात नहीं, ये इस तरीके का कुछ जो है वो अमोनियम बायोरेट दिखता है। आप जो है उसमें गूगल पे सर्च करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, नॉर्मली मिल ही जाएगा। ट्रिपल फॉस्फेट है तो ट्रिपल फॉस्फेट कलरलेस प्रिज्म विथ 3 to 6 साइड, ये भी इस तरीके के प्रिज्म जो है ट्रिपल फॉस्फेट की दिखाई देती है चमकती हुई। ये कब दिखती है? जब ज़्यादा दिख रही हो तो किस कंडीशन में दिखती है? क्रॉनिक सिस्टेसिस की कंडीशन में, क्रॉनिक पाइलेटिस की कंडीशन में, या फिर प्रोस्टेट इनलार्ज हो गई हो, तो उस कंडीशन में हमें ट्रिपल फॉस्फेट देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गए भाई नॉर्मली यूरिन में जो क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। अब आती है बात कि ऐसे क्रिस्टल जो कि हमें नॉर्मली यूरिन में दिखाई नहीं देते हैं, और अगर दिखाई दे रहे हैं मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, तो देखते हैं कि एबनॉर्मल क्रिस्टल कैसे दिखते हैं, किस कंडीशन में दिखते हैं। पहला आता है सिस्टीन। सिस्टीन हमें कब दिखाई देगा? सीनिन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो उस कंडीशन में हमें सिस्टीन जो है वो देखने को मिलते हैं। टर्न रेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रोफोसाइड, जब अगर
यूरिन में हम सोडियम नाइट्रोक्साइड ऐड करते हैं और उसके अंदर सिस्टीन जो है क्रिस्टल प्रेजेंट है, तो वो उनका कलर जो है वो चेंज होकर रेड हो जाता है। तो अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो वो वहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं यूरिन में और क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्रिस्टल का फॉर्मेशन जो है वो नॉर्मली जब मिनरल्स और सॉल्यूट इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब सिस्टीन जो है हमें काइल यूरिया की कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, काइल यूरिया की कंडीशन में भी हमें देखने को मिल सकता है, नेफ्राइटिस की कंडीशन में भी हमें सिस्टीन जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जब टिश्यू का ब्रेकडाउन होता है बहुत ज़्यादा तो उस कंडीशन में भी सिस्टीन नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन अगर जैसे 2-3 HPF पर HPF भी हमें दिख रहा है, मतलब कि एबनॉर्मलिटीज है, क्योंकि ये तो वो क्रिस्टल है जो कि नॉर्मली यूरिन में नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो 2-3 पर HPF भी हमें अगर दिख रहे हैं मतलब कि एबनॉर्मलिटीज है। अगला आता है ल्यूसीन। ल्यूसीन जो है वो हमें कब दिखाई देता है, जब कोई लीवर डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। ये सब कैसे दिखते हैं अभी आगे मैं बता दूंगी एक साथ। टायरोसिन है, तो टायरोसिन जो होता है नीडल अरेंजिंग शाफ्ट्स लीवर डिसीज, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये जो गुच्छे होते हैं इस तरीके से हमें देखने को मिलता है टायरोसिन। ये कब दिखता है, ये भी लीवर डिसीज हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल जो होता है वो रेगुलर इरेगुलर ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जब कोई रिनल डिसीज हो जाती है किडनी डिसीज तो उस कंडीशन में हमें कोलेस्ट्रोल भी देखने को मिलता है। बिलीरुबिन, बिलीरुबिन है तो मतलब कि समझ जाओ कि कहीं ना कहीं लीवर डिसीज है, अगर लीवर डिसीज हुई है कहीं तो बिलीरुबिन अगर हमें दिख रहा है तो हो सकती है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये सब आखिर में दिखते कैसे हैं। तो ये कोलेस्ट्रोल जो होता है वो रेगुलर और इरेगुलर शेप का इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। सिस्टीन, सिस्टीन जो होता है वो हेक्साजोनस होता है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हेक्सा मतलब कि 6, तो ये बेंजीन के जैसा आकार का हमें सिस्टीन देखने को मिलता है। टायरोसिन मैंने अभी आपको बताया ही था कि टायरोसिन जो है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जब झाड़ू टूट जाता है वो हो जाता है ना, झाड़ू को तोड़ के देखना, नया झाड़ू मत तोड़ देना भाई, ठीक है, नहीं तो डांट पड़ेगी मम्मी से। ल्यूसीन है, तो ल्यूसीन जो है वो इस तरीके से सिक्के का आकार का दिखता है, और बिलीरुबिन जो है वो किस इस तरीके का येलो येलो कलर का हमें देखने को मिलता है। तो ये सब आपने देख लिया कि कोलेस्ट्रोल कैसा दिखता है, सिस्टीन कैसा दिखता है, टायरोसिन, ल्यूसीन और बिलीरुबिन और किस कंडीशन में दिखता है। तो ये हो गया हमारा आज का कंप्लीट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, जिसमें हम और आज सभी पढ़ चुके हैं, हमारा यूरिन एग्जामिनेशन ही कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ।